नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण की आकलन कार्य पत्रक संख्या 7 को। यह हिंदी व्याकरण की है। तो बच्चों, आप जान चुके हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने पढ़ा भी है, अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय से हमारा तात्पर्य है वाक्य में प्रयुक्त शब्द का परिचय देना, अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। आप जान चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, योजक, अवयव शब्द से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान एवं अन्य गौण हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए अब हम पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्यों का अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां है कि वह पत्र लिखता है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दें। तो वह सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन वह पत्र लिखता है तो मध्यम पुरुष नहीं होगा, इसलिए यह गलत है। बहुवचन भी नहीं है और पुल्लिंग है, यह सही है। सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, तो यह उत्तम पुरुष नहीं है, बहुवचन भी नहीं है और कर्ता कारक है, ये तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सी की संज्ञा, या संज्ञा नहीं है, इसलिए यह गलत है। और यहाँ है कि सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष तो ये है नहीं, इसलिए ये भी गलत है। चारों ऑप्शन गलत हो गए। और यहाँ एक वचन है, ठीक है, कर्मकारक है, कर्मकारक नहीं, कर्ता कारक होगा, इसलिए क्वेश्चन ए के चारों ऑप्शन गलत हैं। तो बच्चों, आपको आंसर में खुद से लिखना होगा। आप लिखिएगा कि ये सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुलिंग है और कर्ता कारक है, ठीक। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखिएगा। और जो सही उत्तर लिखेंगे वो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि उन्होंने सही उत्तर क्या लिखा है। उसके बाद प्रश्न दो देखते हैं। प्रश्न दो है, राम ने रावण को मारा। तो वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो रावण को मारा, तो रावण क्या है, संज्ञा है, तो इसमें सर्वनाम वाला काट दीजिए। संज्ञा व्यक्तिवाचक, बहुवचन नहीं है, इसलिए आप इसको काट दीजिए। संज्ञा व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुलिंग, कर्ता कारक नहीं है, इसको काटिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है और कर्म कारक है। उसके बाद है कि मैं कलम से लिखता हूं। अब यहां कारक आ गया। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो कलम से लिखता हूं, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए काट दीजिए इसको। संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, करण कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये सही होगा, ये सही है। उसके बाद संज्ञा जातिवाचक, बहुवचन नहीं है यहाँ, ये गलत है। उसके बाद सर्वनाम नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर होगा, संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और करण कारक है। नेक्स्ट है कि पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। तो पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, तो पेड़ों से, अब यहां देखिए, वहां कलम जो था वह से जुड़ाव का प्रतीक था और यहां से अलगाव का प्रतीक है। तो जहां अलगाव होता है वो अपादान कारक होता है। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, तो अपादान से, तो अपादान किसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत है। इसमें भी नहीं, ये भी गलत है। इसमें अपादान कारक है, तो संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन, पुलिंग, अपादान कारक, ये सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वाह क्या गोल दागा है। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो क्रिया विशेषण नहीं है, अव्यय है, विस्मयादि बोधक, हर्ष बोधक है, तो सही उत्तर यही होगा क्योंकि ये पहले में ही मिल गया।
और दूसरा भी देख लीजिए, यह अव्यय है, विस्मयादि बोधक शोक बोधक नहीं है और सर्वनाम नहीं है, विस्मयादि बोधक हर्ष बोधक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6 का कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है? तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी निषेध वाक्य। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह है सरल वाक्य। उसके बाद 7वां है कि बरसात हुई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है? तो यह इसमें और लगा हुआ है तो यह संयुक्त वाक्य होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है, संयुक्त वाक्य। उसके बाद है कि शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो यह जब की लगा तो यह मिश्र वाक्य होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 9वां है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं, यहाँ की के साथ मैं जुड़ा हुआ है, मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, उपवाक्य का भेद लिखिए, तो यह है संज्ञा उपवाक्य। और मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है, तो इसमें भी उपवाक्य का भेद संज्ञा उपवाक्य होगा, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 9th का ऑप्शन ए और 10th का ऑप्शन बी। तो बच्चों ये थी आपकी आज की आंकलन कार्य पत्रक संख्या 7 और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।